नार की भी रक्षा करते हैं हमारे हुए नारायण रूप में जो हमारे देवता के साथ मसान है ये दीपावली की फुलझड़ी तो खत्म। मित्रों एक बार फिर से स्वागत है आपका थपोला सेरा की खूबसूरत वादियों में। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जा रहे हैं हम अपने खेत खलियानों में जहाँ हमारे पूर्वज ईश्वरीय रूप में स्थापित हैं, तो उनके मंदिर में दिया जलाने जा रहे हैं। ये सुंदर सा गांव है हमारा और खेत खलियानों की भी हम पूजा करते हैं दीपावली में, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है इन्हीं खेत खलियानों में स्थापित किए गए हैं। तो दिखाते हैं अभी आपको हमारे पूर्वजों का जो मंदिर है। तो दोस्तों ये है हमारे पिताजी और पहली माता जी का मंदिर जो हमारे खेतों में है और यहाँ आज हम दिया बाती करने आए हैं। पूर्वज स्थापित हैं भूत रूप में, जो नारायण का रूप उनको मिला है, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए हम यहाँ पर दिया बाती करने के लिए आए हुए हैं। तो इस तरीके से अभी हमने दिया बाती कर दिया है। ये पिताजी का मंदिर है दाएं हाथ साइड और बाएं हाथ साइड जो है मंदिर माता जी का मंदिर है। तो ये हमारे भूत रूप में जो नारायण के रूप में आए हुए हैं। तो मैडम भी अभी पूजा करते हुए नारायण रूप में जो हमारे देवता हैं और मनोकामना इनकी पूरी हो, हमारी भी पूरी हो और आप सभी देखने वालों की भी मनोकामना पूरी करें हमारे नारायण रूप में जो हमारे पूर्वज आए हुए हैं। तो आप सभी को सुख और समृद्धि दें। वो ढक के हम तो इनको ढक के अभी हम अब जा रहे हैं नीचे जो इसके साथ मसाण होता है उसके मंदिर में पूजा करते हैं। ये है इनके रूप में मसाण जो इनके साथ रहता है और ये छोटा सा मंदिर अलग सा होता है, तो इसमें भी दिया बाती करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी पूरा इनका मंदिर बनाया गया है। ये हम हमेशा पूजा करते हैं तो यहाँ पर दिया भी रखा गया है। ये जो इनके साथ मसाण है काल के रूप में जो यही बाण होता है, तो इसी की पूजा करते हुए अब हम आगे को बढ़ रहे हैं इसके बाद। तो दोस्तों अभी आए हुए हैं आमा बूबू के मंदिर में और ये बूबू जी का मंदिर है और बूबू जी की दो पत्नियां थी, तो दोनों पत्नियां भूत रूप में यहाँ पर हमारे नारायण रूप में आए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया बाती करके अब चलते हैं इनके भी मसान के मंदिर में और ये मोमबत्ती जला रखी है। तो इस तरीके से हमारे जो आमा बूबू हैं खेतों खलियानों में विराजमान है, खेत खलियानों की भी रक्षा करते हैं, हमारी भी रक्षा करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं रोड के ऊपर में जो बातियां जल रही हैं वो भी देवताओं की हैं, बनरी देवता, ग्वल्ल देवता और परियों का मंदिर, सभी इस तरीके से अभी यहाँ पर दीपावली के समय में। और ये कांटा का क्षेत्र आप देख सकते हैं। तो ये आमा बूबू के साथ मसाण है और इनकी भी पूजा की जाती है, तो इनके मंदिर में भी दिया बाती करके अब चलते हैं घर को, फिर घर की दिया बाती करते हैं। ऊपर जगमगाता हुआ कांडा पड़ाव और कांडा कन्याल, कांडा के पूरे क्षेत्र इस तरफ। ये मेरा गांव है थपोला सेरा। तो इस तरह मैंने छत में पूरे दिए जलाए हुए 108 दिए हैं और ये मैंने छत में जाने वाली जो सीढ़ियाँ हैं उसमें भी बना रखे हैं दिए। सारे दीपक जले हुए हैं आज और बड़ा हर्ष का विषय है कि श्री राम जब वनवास से वापस लौटे थे लंका विजय करके, तो उनके उपलक्ष्य में ये दिए जलाए जा रही गैलरी है। इस गैलरी में मैंने सुंदर से दिए जलाए हुए हैं और ये मालाएं लगी हुई हैं और रात की रोशनी में ये अपनी छटा बिखेरते हुए। ये है हमारा मंदिर और अभी पूजा का समय हो रहा है और 7:45 हो रखा है, 7 बजे तक का मुहूर्त हमने रखा हुआ है पूजा का। इस तरीके से हमने मंदिर को सजाया हुआ है। ये हैं हाथी घोड़े और फल और ये हमारा गुलदस्ता बना हुआ है और ये हमारा डिजिटल
दीपक है और ये ओरिजिनल दीपक है। तो इस तरीके से हमने मंदिर को सजाया हुआ है। मम्मी ने 5 दिन पहले लिपाई घिसाई कर दी थी इसकी। ये मालाएं लगाई हुई हैं, मिठाई भी आ चुकी है। अब करते हैं पूजा। तो खत्म होने वाली है। हाँ, दीवान साहब जी ने फोड़ दिया, अभी घर भी साहब जी अनार फोड़ेंगे। अनार शाबाश, चलो चलो। अरे अरे देखो, और जलाओ, एक और जलाओ। बिहान डर भी गया। अल्लाह मत करो। आप बैठना वहीं पर। हाँ, तो ये लक्ष्मी ने जला लिया है अनार। हाँ चलो, अब रॉकेट फोड़ते हैं। कुछ कर दिया मैंने तो दोस्त, ये भी फूलने वाला है। ओए, एक बार कर, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, दस कर दिया, दस बार, कहने पड़ने यार। चीज़ चकरी।